नमस्कार, मैं हूं अंकिता सिंह। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। खबर गौतम बुद्ध नगर से। स्वच्छता अभियान की उड़ाई जा रही धज्जियां। खबर जेवर क्षेत्र के गांव निमका से है, जहां पर सरकार द्वारा चलाए जा रहे स्वच्छता मिशन अभियान की खुलेआम उड़ाई जा रही है धज्जियां। निमका गाँव एक प्राधिकरण के अंतर्गत आता है, जबकि प्राधिकरण ने गाँव के अंदर हर चीज की सुविधा कर रखी है। कूड़ादान होते हुए भी गाँव वाले नहीं डालते हैं उसमें कूड़ा, क्योंकि गांव वालों का कहना यह है कि जब कूड़ेदान भर जाता है तो सभी गांव के लोग इस स्थान पर कूड़ा डाल जाते हैं, जिससे आसपास के रहने वाले लोगों को इस गंदगी की बदबू से लोगों को परेशानी होती है। हालांकि कई बार कूड़ा डालने वाले लोगों से मना भी किया जाता है, लेकिन कोई भी मानने के लिए कोई भी तैयार नहीं होता। जेवर से समीर खान की रिपोर्ट। नमस्कार, फिर एक बार आपके साथ मैं हूँ समीर खान। इस वक्त हम मौजूद हैं जेवर क्षेत्र के गांव निमका में, जहाँ पर स्वच्छ अभियान स्वच्छ भारत का जो मिशन चला था भारत केंद्र सरकार द्वारा, वो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि आखिर आप देख सकते हैं जिस गांव में मैं मौजूद हूँ, ये प्राधिकरण के अंदर आता है। जो यहाँ पर तस्वीर आप देख सकते हैं, यहाँ पर इतनी गंदगी है कि यहाँ पर मेन रोड है, जो मेन रोड है इसी के सहारे जो गाँव के लोग हैं यहाँ पर जो कचरा है उसे डाल जाते हैं। हालात की जो यहाँ पर जो प्राधिकरण है उसने सब चीज़ की सुविधा कर रखी है। कूड़ादान भी यहाँ पर है और कूड़ा डालने के लिए जो कचरा होता है उसे अलग डालने के लिए भी यहाँ पर जगाती, लेकिन यहाँ पर जो गांव के लोग हैं आप देख सकते हैं कितनी गंदगी है यहाँ पर, यहीं पर जो कचरा है उसे यहाँ डाल जाते हैं। लेकिन इससे आप सवाल ये है कि जो लोग आस पास के जो लोग रहने वाले हैं जिनकी यहाँ पर दुकानें हैं, इससे गंदगी जो उठती है उन लोगों को प्रॉब्लम होती है। आइए उन लोगों से आपकी बातें कराते हैं। लोगों की दुकान है यहाँ पर, जिन लोगों को इस गंदगी से प्रॉब्लम होती है उनसे बात कराते हैं आखिर किस तरीके से वो इस गंदगी से गुजरते हैं। सर, आपकी यहाँ पर दुकान है, किस तरीके से आप उठते हो, किस तरीके से आप? आइए, सबसे पहले मैं धन्यवाद देता हूँ प्राइम न्यूज 24 का, जो देख रहे हैं ये आदर्श गांव नीम का, माननीय श्री सांसद जी का, जो महेश शर्मा यहाँ के, उन्होंने एक गाँव गोद लिया है और जो यहाँ के वर्तमान में जो प्रधान रह चुके हैं भाई अरविंद जी, जो अरविंद दत्तरी जी हैं यहाँ पर, उन्होंने कई बार जेसीबी चलवा दिए। और यहाँ के जो आसपास के लोग रहने वाले जो हैं जिनकी दुकान है वो इस गंदगी से काफ़ी परेशान होते हैं, क्योंकि गंदगी उठती है हमें से। हालांकि इन्होंने कई बार शिकायत भी की है, लेकिन कोई भी समाधान नहीं हो पाया है। जो गाँव के लोग हैं वो मानते नहीं है, जो कचरा है वो यहीं पर आके डालते हैं। आइए उनसे बात करते हैं। सर, किस तरीके से यहाँ पर गंदगी उठती है, किस तरीके से आप परेशान पाते हो? ये बीमारी का माध्यम बना रखा है, इसलिए यहाँ से कूड़े करकट को कोई स्थायी जगह बनाई जाए जिससे सभी को सुविधा हो। और मैं तो ये कहता हूँ कि सारा प्राधिकरण या कोई भी जो इसका समस्या का समाधान कर सके, उसका पूरा समस्या लेके गांव द्वारा और उसका समाधान जगह का करा जाए, जिससे बीमारी। अच्छा, ये कूड़ा जो कचरा है ये कौन डालता है यहाँ पर, किसका अच्छा है? एक गांव का ही है, सारे लोग आते हैं मिलके, मना भी करते हैं, कुछ मानता नहीं है, तो किस किस से झगड़ा है। अच्छा, यहाँ पर और भी लोगों से बात करेंगे, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहूँगा ये जो भी कचरा है यहाँ पर, और देख रहे हैं धीरे धीरे पानी भरा है, यहाँ पर कचरा डालते हैं, बहुत ही ज़्यादा गंदगी है, बीमारी फैलती है या प्राधिकरण या जो भी माननीय प्रधान जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र जी या हमारे जो योगी जी हैं, कोई एक स्थायी जगह बनवाएं कूड़े कचरे के लिए, जो लोग हमारे गंदगी को बाहर गांव से फेंक सकें। लेकिन यहाँ पर तो प्राधिकरण जो कचरा दान होता है, कूड़ा दान होता है, वो भी उपस्थित है यहाँ पर, यहाँ पर लगी हैं, वो भर जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जिन जो ठेकेदार हैं वो उसको खाली करने नहीं आते हैं, तो कूड़ा कहाँ डलेगा? कर्मचारी आते, कर्मचारी महीना में एक आध बार आते हैं, डस्टबिन भर जाते हैं, उनको कोई खला करनी है तो कूड़ा करेगा, इसलिए लोग जहाँ जगह दिखती है रोड पर वो वहाँ डाल जाते हैं। कर्मचारी की लापरवाही की वजह से आप देख सकते हो जो मेन रोड पर यहाँ पर जो कचरा है वो देखने के लिए मिलता है, जबकि इसमें से काफ़ी गंदी जो गंदगी उठती है, बदबू उठती है, वो लोगों के यहाँ पर रहने वाले उनको झेलनी पड़ती है। और कर्मचारी जो है यहाँ पर, लोगों का कहना है कि एक महीने में एक दो बार वो काम करते हैं यहाँ पर, और जो सरकार की तरफ से प्राधिकरण की तरफ से जो कूड़ादान है वो भरता है, यहाँ पर जो गांव वाले लोग हैं वो यहाँ पर कूड़ा कचरा डाल जाते हैं। मैं समीर खान, प्राइम न्यूज़ 24।